नमस्कार दोस्तों, मेरी कुकिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे हेल्दी और पौष्टिक खजूर के लड्डू। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसे बनाना है बहुत आसान, आप सबको ये बहुत पसंद आएगा। तो चलो बनाते हैं खजूर के लड्डू। खजूर के लड्डू बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम खजूर। इस रेसिपी के लिए हमें सॉफ्ट वाला खजूर ही लेना है। साथ में मैंने लिया है आधा कप सूखा नारियल का बुरादा, हाफ टेबल स्पून ड्राई जिंजर पाउडर, थोड़े काजू और बादाम और 3-4 टेबल स्पून घी। तो सबसे पहले हमें खजूर में से सीड्स रिमूव करके छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अब हम पैन में 2 टेबल स्पून घी लेंगे। खजूर को हमें घी में ही सिकना है। स्टोव की फ्लेम स्लो ही सेट करनी है। इस तरह स्लो फ्लेम पर खजूर को घी में सिकने से बढ़िया टेस्ट आता है। कंटिन्यूअसली चलाते हुए खजूर को सिकना है। फिर से ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून घी। जब तक खजूर एकदम सॉफ्ट हो जाए और घी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हम इसे सिकेंगे। 3 मिनट्स के बाद हम ऐड करेंगे नारियल का बुरादा, जो हम यहाँ पे आधा ही ऐड करेंगे, आधा हम गार्निशिंग में यूज करेंगे। साथ में ड्राई जिंजर पाउडर और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, घी पूरी तरह एब्जॉर्ब हो चुका है और खजूर भी सॉफ्ट हो गया है, तो स्टोव की फ्लेम ऑफ कर देंगे और इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। ये थोड़ा ठंडा हो चुका है तो अब हम लड्डू तैयार कर लेंगे। लड्डू को नारियल में रोल कर लेंगे। इस तरह हम सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, तैयार है हेल्दी खजूर के लड्डू, तो आज ही बना ले। और हाँ फ्रेंड्स, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और पास में दिए गए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।